घर बना लिए थे। अरे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बलविंदर सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। पहाड़ देख के आपको समझ गए होंगे कि हम पहाड़ों में कहीं सैर कर रहे हैं। आज हम आए हैं बद्रीनाथ। अभी यात्रा खोलनी है, परसों यात्रा खोलनी है, उससे पहले ही आ गए हम। और इस टाइम बिल्कुल खाली है। पहाड़ों पर बर्फ भी दिख सकती है, ये देखो कितनी प्यारी लगती है। ये लेक बनाई है, एक मार्केट में तैयारी चल रही है, अभी सब दुकानें तैयार हो रही हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ के दर्शन। सब तैयारी करें प्रभु। मंदिर में चल रहा सफाई का काम। यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है। जय बद्री विशाल। हो रहा गर्म कुंड, सफाई होते सारी। ड्राइवर उन्नति जा रहे हैं। हाँ, बड़ा गांव, भारत का पहला गांव। वाह, साहब पड़ोसियों गवांडियों कितनी बर्फ है, ये रखो, बर्फ काट के रास्ता बनाया हुआ है। ये माणा के पास था भी। हेलो, देखो, अरे कितने गए, मजा आ रहा है, नजारे आ गए। अब बिल्कुल बोल के माणा माणा गाँव। अभी भी पब्लिक आई हुई है बहुत सारी। जल्दी जल्दी आओ, अगे जाके स्वर्ग की सीढ़ी देखेंगे। माणा गांव में आपका स्वागत है। माणा गांव रोमत, दुनिया देख रही है सारी, रोमत। अभी माणा गांव में भी दुकानें खुलनी है, अभी खुल रही है, बस खुलनी शुरू हो गई धीरे धीरे। छोटे छोटे बच्चे ठंड में।
ये भारत का एक सुंदर सा गांव माणा, जिसमें एक अपनी अलग सी खूबसूरती है, शांत। ये माणा गांव के घर अभी घरों पे लगे हुए हैं ताले, क्योंकि सारे लोग नीचे चले जाते हैं जब बर्फ पड़ जाती है। अब यहाँ आना शुरू हो गए, आज या कल में सारे आ जाएंगे। कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ अभी खुलनी बाकी हैं। इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग के रास्ते गए थे। माणा में आए हम सबसे पहले 2024। अगर यहाँ पे होम स्टे करना चाहते हो तो वो भी है। ये लगे हुए फोन नंबर। इस साइड जाके है व्यास गुफा और गणेश गुफा, इधर जाके है भीम पुल और इस साइड सरस्वती धाम। स्टार्टिंग में आने का ये फायदा है, खाली है इस टाइम, आराम से घूम सकते हो आप। बहुत ही खूबसूरत नजारे। यही रास्ता स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ जाता है, और कहते हैं वहां एक झरना है, वो उस इंसान पे गिरता है जिसने कभी पाप ना की हो। चलो एक बार ट्राई करके हम भी देखते हैं दोबारा। पिछले साल तो गिरा था पानी। यहां से आगे से सरस्वती नदी बहती है। नीचे जाके कहते हैं सरस्वती के दर्शन होते हैं यहाँ से। यह है गुफा। क्या लगा रहा हूँ यहीं से सर्ग और भीम और पांडव यहीं से गए थे, तो जब यहां से निकलने लगे तो द्रौपदी से निकला निकला नहीं जा रहा। सरस्वती उस टाइम बहुत तेज थी, तो भीम ने एक शिला फेंकी थी, वही शिला जिस पर मैं खड़ा हूँ वही शिला भीम ने फेंकी थी, और उसी शिला से गए थे पार करके। आप मेरे पीछे देख सकते सरस्वती नदी। हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, इसका नाम था पहले कि भारत की आखिरी दुकान, अब इसका नाम रख दिया गया प्रथम दुकान। भारत की पहली दुकान में आपका स्वागत है। वसुधारा के लिए यही रास्ता जाता ट्रैक। हमारे साथ टोटल 25 बंदे जने आ रहे थे, जिसमें से हम सिर्फ 3 जने रह गए। हमारे साथ का भी एक रुक गया नीचे, बाकी सारे वो पीछे बैठ गए, कई तो वापस चले गए। अभी हम आए हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ही बाकी है वसुधारा। मेरे साथ के बाकी सारे पीछे रह गए, सिर्फ मैं ही अकेला चल रहा हूँ, आगे भी कोई नहीं है। दूर दूर तक आगे कोई भी नहीं है।
क्या कुदरत के नजारे हैं। वहां तक प्लेन रास्ता था, अब आगे से शुरू हो गया पुराना रास्ता। नेवला आ रहा है, नेवले का बच्चा है, नेवले का बच्चा लग रहा है, नेवला ही है। आ गया बर्फ का ग्लेशियर, सारा बर्फ का ग्लेशियर है ये, पार करके जाएंगे हम। बर्फ पे चल रहे हैं, पार करके आना पड़ता है। सामने देखना शुरू हो गया बस उधर। फाइनली वसुधारा पहुंच ही गए, ये सामने, वो आगे चाइना बॉर्डर है, वहां से इस पहाड़ी के बाद चाइना शुरू होता है। फाइनली वसुधारा पहुंच ही गए, पांडव यहाँ तक पहुँचे, जिसमें से सिर्फ लास्ट में युधिष्ठर और एक कुत्ता ही गया था स्वर्ग के रास्ते, बाकी सारे पीछे ही रह गए थे, एक एक करके सब पीछे रह गए। और इसी रास्ते से कहते हैं स्वर्ग के लिए ये रास्ता जाता है। और एक ऊपर गुफा सी भी दिख रही है, अब ये पता नहीं किस चीज़ की है। आप मेरे को दे सकते हैं वसुधारा, कहते हैं जिसके ऊपर ये पानी का झरना गिरता है उसने कभी पाप नहीं किया होता, मेरे ऊपर तो पानी की झरने की बूंदे आ गई। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो पहले दो तीन बातों का जरूर ध्यान रखना, एक तो खाने के लिए अपना हल्का फुल्का सामान लेके आए और पानी की बोतल एक साथ लेके आए और एक टॉर्च जरूर लेके आए साथ में। अगर आप 2 बजे से पहले पहले आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद में थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि रस्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बोले सोनियाल, बोले सोनियाल, बोले सोनियाल, बोले सोनियाल, बोले सोनियाल, बोले वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।
You know?